गाइस वी आर बैक इन अदर व्लॉग। जैसा कि आप जानते हो मैं आपका नेथन गिल। तो यार आज आपका भाई एक आपको नई से नई डिश लेके आया है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं केक। ठीक है, क्योंकि मेरे बड़े भाई का बर्थडे है तो हमने उसको सरप्राइज देना है, क्योंकि वो गया है काम पर और हम घर में बना रहे हैं केक। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो जिसने अभी तक जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके लाइक और सब्सक्राइब करो ना यार। तो क्या कर रहे हो, मतलब आप ले लेते हो वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, जल्दी जाके लाइक और सब्सक्राइब करो। और हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे। और मैं हूँ रिमशा पिया और हमारी एक और बहन है। ठीक है, तो हम आपको रिमशा पी के साथ मिलाते हैं कि उसका आज क्या एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो चले आपको मिलाते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली आज हम केक का सोचा कि केक बनाएंगे। तो मैंने पहले भी घर पे केक बनाया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि केक बहुत अच्छा बनेगा। और सारी चीजें हमारे पास ये देखे लगी हुई है यहाँ पे, हमें सारी चीजें लेके आए। अभी मैं और नेथन गए थे बाजार और हमने लेके आएंगे, देखे हमने सारी चीजें इकट्ठी कर ली है और हमारा केक हमारे शुरू करने। जब बनाएंगे तब आप सबके साथ रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप घर में इजिली तरीके से केक बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मजे का। हम आपको अपनी एक और बहन से मिलाते हैं जो हमारी बहुत ही अच्छी बहन है। ठीक है, तो चलो आपको मिलाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ हम भी ठीक। तो आप मेरे गाइस को क्या कहना चाहते हो आज? मैं आपके गाइस को यही कहना चाहती हूँ कि नेथन को, निथेनिल गिल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें, इसको ढेर सारा प्यार दे, ताकि आपका भाई आपके लिए न्यू से न्यू वीडियो लेके आए। और आज हम केक बना रहे हैं, ये देख सकते हैं कि हम उतरी केक के लिए चीजें लेके आए काफी सारी, और अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे पास अंडे भी हैं, उसके अलावा हमारे पास क्रश हुई चॉकलेट भी है। हाँ बंद कर दो। तो अभी हम केक जब बनाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो गाइस हम जब केक वगैरह सारा बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, तो उतनी देर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो रिमशा भी जो है यहाँ ग्राइंड कर रही है, पता नहीं क्या कर रहे हो, चीनी ग्राइंड हो रही है। तो इधर जो है सारे व्हाइट बोर्ड, सबसे पहले चीनी को ग्राइंड कर लेना चाहते हैं जब आप बीट कर। हाँ, तो वो कह रहे हैं आपने इजी से पहले अपने जो चीनी है वो उसको ग्राइंड कर लेना। तो उतनी दिगर हमारे पास चीजें भी नहीं है कि आज हमको कुछ दे ही नहीं रहे यार, कह रहे हैं कि केक बनाना केक बनाना है। तो ये रिमशा आपको कुछ कहना चाहते हैं? तो गाइस अब मैं बना रहा हूँ रोटी, क्योंकि मेरी दोनों बहनों बिजी हैं, तो इसलिए फिर मुझे रोटी पकाने की पड़ी। ठीक है, तो ये मुझे मेरी मम्मा ने रोटी बनाना सिखाई है, क्योंकि भाई रोटी तो आनी चाहिए ना सिखा। तो मैं आपको सबको यही कहूंगा कि आपको भी ये चीजें सीखनी चाहिए, आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मा ने रोटी सिखाई है। तो अभी हम बनाते हैं, तो फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली गाइस रोटी बना के खा भी ली है। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं कि केक के क्या हालात है। तो ठीक है, निशा भी जो है उनका अभी केक तैयार हो गया, बीट सारी बन गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बन गई है। तो अभी हम जाते हैं अपनी मारिया पी की बहन की तरह, तो इसका डिफरेंट अपी का ये देख सकते हैं अभी उनकी जो है वो बन रही है। ठीक है, अभी इनका भी केक बन रहा है। ठीक है, तो इनकी डो तैयार हो गई है, इनकी डो अभी तैयार हो रही है। तो ये हमारी ये देखे, जब आपके केक की ये चीज ऐसे लहर आ रही हो ना, तो समझना बीट बहुत ही मजे की बनी है। मुझे तो केक बहुत मजे का लग रहा है नेथन, तो मुझे भी फाइनली मजा ही आएगा केक खा के बताऊंगा इनको कि कैसा है। ठीक है, अक्सर बनाते हैं पर मजे का बनता है। तो अब जो हम कर लेते हैं, ठीक है, नाम अपना बना लेंगे, बाद में कहेंगे कि हमने बनाया। तो व्लॉग मैंने बना लिया। ठीक है, मैंने केक बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं केक मैं बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप सबको पता है केक किसने बनाया है? भाई मैंने बना लिया केक। ठीक है, तो केक आपके भाई ने बनाया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, किसने भी बनाना हो कमेंट में मुझे बता देना। तो अभी जो है जब इसको बेक करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। Few moments later, मेरा केक रेडी हो गया है। मारिया का भी केक तो हमने स्टीम किया हुआ है, मेरा स्टीम चिप के बगैर मैंने मेरा माइक्रोवेव बनाया। ये देखिए हमने किचन में कितना ज़्यादा गंद डाल चुके हैं, और केक ये देखिए हमारा कितने मज़े का लग रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये केक कैसा बना। ठीक है, नेथन अभी अंदर है ताकि इसकी व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। ये देखिए हमने किचन में बहुत इस टाइम गंद डाला हुआ है। तो टाइम 12:30 हो गए हैं, भाई के आने का टाइम है, भाई ने रात को लेट आना, तो इसलिए हमने सोचा कि हम केक शेक बना के और रेडी करके जब भाई आए उसको केक खिला दें।
और मुझे ज़रूर बताना ये केक कैसा बनना है। तो मारिया ने ये केक बनाया है, आप देख सकते हैं, और अब हमारा किचन भी देख सकते हैं, किचन सारा नीट है। तो आप लोग भी, उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घर में जब खाना खाना बनाते होंगे तो ऐसे ही किचन साफ़ करते होंगे। एक हमने ये छोटा सा, ये भी एक कोडू सा बनाया है केक, बहुत मज़े का ये भी बनाया है। मगर जौन सा मेरा केक जो फ्रिज में मैंने ये रखा हुआ है केक, यार ये तो बहुत ही असम लग रहा है मुझे। तो अभी भाई अभी आ रहे हैं, तब वो आएंगे तो हम उसको उनको हम सरप्राइज देंगे थोड़ा छोटा सा। तो फिर हम उनका वेट कर रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया, बर्थडे का टाइम तो गुजर गया, 12:30 हो गया। मैं विश भी नहीं किया, मोबाइल पर भी नहीं विश किया, मैसेज भी नहीं किया कि उसको विश करके, तो उसको यही पता है कि हम सब भूल गए हैं कि उसकी बर्थडे है कि नहीं। तो फाइनली हम लोगों ने केक शेक तैयार कर लिया, मैं 3 केक बनाए हैं भाई के लिए। तो अब मामा भी सो गई है, नैथन भी अभी सो गया, तो अभी नैथन लोगों को सबको उठाएंगे और फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मुझे कमेंट करके बताना कि मारिया ने ये डेकोरेशन अच्छी की है। और भी थोड़ा सा केक उसका ख़राब हो गया था, तो फर्स्ट टाइम बनाया था उसने, तो उम्मीद है कि जब आगे ब्लॉगिंग करेगी आगे ये आपको बनाएंगे तो आप रेसिपी ज़रूर इसकी बताएंगे, बिल्कुल सिंपल से आसान सी है, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे तीनों केक्स तैयार हो चुके हैं फैसल भाई के लिए, और बस फैसल भाई भी थोड़ी देर तक आने वाला है। और ये देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं केक ये वाले, ठीक है, ओके बाय। तो भाई के हमने केक शेक कटिंग कर लिया, गिफ्ट शिफ्ट उसको मिल गया, ये देखिए उसका गिफ्ट उसके उसने पास है। तो नैथन तो सो रहा है, नैथन ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, वो सो रहा है। सबने केक शेक खा लिया, वो देखो रात के 2 बज गए हैं, ये देखे रात के 2 बज गए और हमने अभी केक कटिंग किया, इसलिए नैथन सो रहा है, उसको सुबह कल स्कूल जाना है, तो खुद ही कर लिया। The next day. रात को बर्थडे वगैरह करके हम फ्री हो गए थे, ठीक है। तो अब जो है हम बना रहे हैं आलू भलिए, ठीक है, तो वो बहुत मजे के बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी डिश कि आलू भलिए कैसे बनते हैं। तो यार बना के अपने घर में देखो, बड़ी मजे की बनती है आलू भलिए, और मैं अब भी आपको दिखाऊंगा कि आज वो कैसे बनाएंगे। रात को केक भी दिखाया था आपको कि केक कैसे बनाते हैं, ठीक है, आप अपने घर में बना सकते हो, ठीक है, इतने ज़्यादा पैसे भाई से ना डिपोर्ट करो, बस घर में बनाओ और अच्छे से खाओ और अच्छे से पकाओ, ठीक है। और केक को आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, ओवन भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव में बना सकते हैं, जिसमें मर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने की, हमारे पास माइक्रो नहीं है, ओवन नहीं है, ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं, ठीक है, आप जिसमें मर्जी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आलू भली कैसे बनाते हैं, तो चले दिखाता हूँ आपको केक कैसे बनाते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे आलू और ये हमारी भलिए, ठीक है, और ये हमारा मसाला जो हम एक दफ़ा ही गंडे प्याज ये वो चीज़ें टोम अदरक जो है बना के रख लेते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे ही रख के जब भी हमने हांडी वगैरह पकानी हो तो उसमें डाल के पका के खा लेते हैं। तो अभी जो मेरी मम्मा ये प्याज ब्राउन कर रही हैं, ठीक है, तो ये जब प्याज जो है ब्राउन हो जाएगा तो आपका भाई भी मदद करवा रहा है, टेंशन नहीं लेनी। मैं अपने घर में जो है ना अपना हांडी में, ठीक है, जो शॉपिंग वगैरह घर में कुछ भी बना तो उसमें मैं मदद ज़रूर करवाता हूँ, ठीक है, घर के काम वगैरह में मैं मदद करा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये प्याज ब्राउन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर जब प्याज वगैरह के बाद जो भी चीज़ें जिसका टमाटर हो गया ये वो डाल के बंडा मिर्च कड़का जैसे होता है वो लगा के, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। अब आ गई टमाटर की बारी, ठीक है, तो अब जो है हांडी में टमाटर डाले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये भलिया डालेंगे, फिर ये डालेंगे, नहीं सॉरी टमाटर के बाद हम डालेंगे ये, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से कोई भी मिर्च वगैरह, ठीक है, और अभी जो है यही बन रहा है, ठीक है, इसको हम पकड़ लेते हैं। ओए मैं तो वो पकड़ने लगा था, हांडी पकड़ने लगा था, नमक, ठीक है, नमक वगैरह डाला जा रहा है, और ये इधर हलाया जो भी जा रहा है, ठीक है, अब ये देखो मसाला ये इसमें गया, अब ये मसाला, ठीक है, इसको अच्छी तरह भून लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम जो आलू डालेंगे, आलू डालने के बाद हम पनीर डालेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारी डिश हो जाएगी तैयार, तो मैं आपको दिखाऊँगा। जो आलू वगैरह वो हमने मसाले के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह भून वगैरह के, ठीक है, जो भी करते हैं, उसके बाद हमने डाल दिए इसके अंदर, अब पानी डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और जो हमारी बल्लियाँ हैं वो रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये जब आलू थोड़े से गल जाएंगे फिर उसके बाद हम बल्लियाँ डालेंगे और अच्छे से पका के, फिर जब पक जाएंगे तो फिर मैं आपको खा के बताऊँगा।
आलू गुजिया खा के बड़ी ही मजे की बनी थी। मेरे फोन की बैटरी लो गई थी, फोन बंद हो गया था, तो मैं आपको स्टोरी दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो बहुत ही मजे की बनी थी। यही मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। जिसने अभी तक जाके लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो यार ये देखो मेरे यहाँ चोट लग गई है। ठीक है, तो दुआ मांगो सही हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके बाय।